ऑडिट बाबा के दरबार में एक दिन। एग्जाम्स पास में आ रहे हैं बाबा, दिन में 12 घंटे पढ़ता हूँ तो भी स्टडी टाइम कम लगता है। बाबा, मेरे ऊपर स्टडीज के साथ साथ घर के कामों की भी जिम्मेदारियां हैं। लाख कोशिश करने पर भी 6-7 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाती, कुछ उपाय बताओ। हम तुम लोगों की प्रॉब्लम समझ गए हैं, दो ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिसकी हेल्प से तुम लोग अपने रूटीन में माइनर सा चेंज करके रिविजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाओगे। जानना चाहोगे कैसे? अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करके। सबसे पहले ये समझो कि हम कौन से अनप्रोडक्टिव टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ अनप्रोडक्टिव टाइम का मतलब है वो टाइम जिसमें तुम लोग ऐसे काम करते हो जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स की तरफ लेकर नहीं जाते। ये ऐसे काम है जो करने तो जरूरी है, मे बी फॉर सर्वाइवल, मे बी फॉर मेंटेनिंग रिलेशंस, या मे बी वो सोशल ऑब्लिगेशन है इसलिए, पर वो काम तुम्हें सीए बनने या कोई और एग्जाम क्लियर करने में डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं करते। इन अनप्रोडक्टिव कामों में हम कुकिंग, क्लीनिंग, एक्सरसाइजिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज करना और फिट रहना सबकी जरूरत है, बट एक्सरसाइज करने से कोई स्टूडेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, इसलिए हमने इसे अनप्रोडक्टिव काम कहा है। अब हम तुम लोगों को दो ऐसी टिप्स देंगे जिनकी हेल्प से तुम लोग अपने इस अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करके अपना स्टडी टाइम इंक्रीज कर पाओगे बिना अपना रूटीन चेंज किए। हमारी फर्स्ट टिप ऐसे अनप्रोडक्टिव वर्क्स को लेकर है जो तुम एक ही जगह पर खड़े होकर कंप्लीट कर सकते हो, जो मोनोटोनस टाइप के होते हैं और जिनको करने के लिए तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो ऑटो पायलट मोड पर ही कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि पुशअप्स, ट्रेडमिल वर्कआउट्स, कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स एटसेट्रा। अब तुम्हें करना ये है कि कोई भी ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करो जो याद या मेमोराइज करना होता है, कोई डेफिनेशन, सेक्शन नंबर्स की लिस्ट, चार्ट या फिर कोई फॉर्मूले। फिर उसको एक पेपर पर लिख लो और फिर उस पेपर को दीवार पर चिपका दो, जैसे कि गैस स्टोव के सामने वाली वॉल पर, किचन सिंक के सामने, मतलब हर वो जगह जहां पर आपका ज्यादातर अनप्रोडक्टिव टाइम स्पेंड होता है। अब जब भी ये अनप्रोडक्टिव वर्क्स करो, साथ में एक नजर उस पेपर पर डालो और साथ में रिवाइज करते रहो। जैसे ही वो टॉपिक लर्न हो जाए, नया पेपर चिपका दो। हमारी सेकंड टिप ऐसे अनप्रोडक्टिव कामों को लेकर है जिन्हें करने के लिए तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पड़ता है, जैसे कि जॉगिंग, डस्टिंग, मॉपिंग एटसेट्रा। इस टाइम को यूज करने का भी एक आइडिया है। तुम ऐसा करो कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो, उसे थोड़ी तेज आवाज में रीड करो और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। आजकल हर मोबाइल में एक प्री लोडेड वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप होती है, नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लो। फिर तुम जब भी इन अनप्रोडक्टिव कामों को टाइम दो, साथ में अपनी वो रिकॉर्डिंग सुनते रहो। ट्रस्ट मी बालक एंड बालिका, ये रिकॉर्ड टेक्निक्स तुम्हें अपना थ्योरी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में काफी हेल्प करेगी। इससे एक फायदा और होगा कि जब भी तुम्हारा डेडिकेटेड स्टडी टाइम होगा, तब तुम प्रैक्टिकल्स पर ज्यादा फोकस कर पाओगे, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट्स तो साइमल्टेनियसली बिना एडिशनल टाइम दिए रिवाइज हो ही रहे हैं। अ स्मॉल डिस्क्लेमर हियर, डूइंग मल्टीपल थिंग्स टुगेदर एट अ सेम टाइम इज नॉट रिकमेंडेड। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग रन में ऐसा करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए एग्जाम प्रिपरेशन तक तो ठीक है, पर रूटीन में एक ही टाइम में दो काम करने की आदत मत डालना। इसके साथ ऑडिट बाबा के प्रवचन होते हैं ओवर। आई होप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की दक्षिणा दे दी होगी, इफ नॉट अभी दे दो। लास्ट में बिटर गार्ड ज्ञान बाय ऑडिट बाबा। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं पर उन पर घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, घर के काम ज्यादा है, पढ़ने का टाइम कम है, पर तुम्हारे पास पैसे भी है और टाइम भी। माना तुम ब्लेस्ड हो, पर अपना टाइम और पेरेंट्स के पैसे वेस्ट करना क्या जस्टिफाइड है? सोच कर देखना जरा।